small teaser of what India Fine Arts Council is all about. And for that very reason, let me introduce to you a very fine artist himself. He's not just an accomplished painter, but he's also a well-renowned dancer. Please give it up for Mr. Nilesh Auti. How are you doing, Nilesh? I'm doing super. How are you doing? I'm good. So what are you going to be doing for us today? I'm going to do some traditional art which represents India and its beauty. With all your blessings and wishes. Thank you, Nilesh. We all can't wait to see the final result of your life painting. Can I please request you to take your place and start the magic? Now is the time for me to introduce two very important people of India Fine Arts Council. The President of the India Fine Arts Council, Mr. Harish Mehta, and the Vice President of India Fine Arts Council, Mr. Rajesh Srivastav. Can I please request you to please come on stage? Guys, I need you all to show a little more energy. Come on, give a huge round of applause for Rajesh ji and Harish ji. Are you, sir? Harish ji, आप हमको इंडिया फाइन आर्ट्स काउंसिल के बारे में थोड़ा कुछ बताइए. इंडिया फाइन आर्ट काउंसिल का मेन मकसद आवाज आ रहा है मेरा बराबर. इंडिया फाइन आर्ट काउंसिल का मेन मकसद है नए आर्टिस्ट को प्लेटफॉर्म देना. उनके लिए जहाँ भी उनको हमारी ज़रूरत पड़े उनको प्रोडक्ट लॉन्च करना है या प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है, प्रेस रिलीज करना है, तो इंडिया फाइन आर्ट काउंसिल उनको इस संदर्भ में मदद करेगी. और ख़ास करके हमारा इंडियन आर्टिस्ट को हम वहाँ लेके जाएंगे, वहाँ के आर्टिस्ट को हम बनाएंगे. और साथ में जैसे हमारे भाई है राजेश भाई है, उनका एक मैगजीन है, तो हमारी ये कोशिश भी रहेगी कि जो आर्टिस्ट फाइन आर्ट आर्टिस्ट है उन्हें कुछ भी उपलब्धि हासिल की है अपने फील्ड के अंदर, तो उनको हम हमारे मैगजीन में हाईलाइट करेंगे उसको. और साथ में हमारे साथ एडवोकेट भी है हमारे साथ जो हमारे एडवाइज़र है, तो कहीं भी लीगैलिटी का कोई प्रॉब्लम आएगा तो उस संदर्भ में हम लोग को एडवाइस भी देंगे. तो ये मेन मकसद है हमारा. और सभी का स्वागत है इस कार्यक्रम में. थैंक यू राजेश सर. कुछ शब्द सारी मीडिया और हमारे सारे अतिथियों को नमस्कार. और सबसे अच्छी बात यह है कि हरीश भाई हमारे 20 साल पुराने मित्र हैं. मुंबई में 20 साल पुराने मित्र मिलना बहुत बड़ी बात होती है, और मैं बहुत प्राउड करता हूं इनके ऊपर कि हमारे 20 साल से जुड़े हैं और हम लोग हर सुख दुख के साथ ही रहे. सबसे पर्सनल बात बताना चाहता हूँ कि आप सारे अपने ही हैं, सारी मीडिया अपने, सारे लोग अपने हैं, तो हमारे इनका बहुत अच्छा संबंध रहा है. हम कोई भी काम करते रहे हैं साथ में, एक दूसरे को सहयोग करते रहे हैं. जब बात आई इंडिया फाइन आर्ट काउंसिल की तो भाई ने बताया, तो मेरा बहुत अच्छा कंसेप्ट है और ये समझ लीजिए काम के साथ बहुत बड़ा सामाजिक कार्य है. आज ऐसा है कि बड़े लेवल पर बहुत लोगों का प्रमोशन होता है जिनका पैसा है या खानदानी लोग हैं. टैलेंट जो है बेचारा रोड पर घूम रहा है. और मैंने किसी के बारे में कुछ आलोचना नहीं करना चाहता हूँ मैं, कि मतलब टैलेंट है, लोग सड़कों पर घूम रहे हैं, उनका कोई देखने वाला नहीं, उनका कोई प्रमोशन नहीं है. तो ये जो मंच है उनके लिए कि आने वाले समय में सिर्फ देखेंगे जिसके पास टैलेंट है उसको हम नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर जाकर लॉन्च करेंगे. ये हमारी एक दिल में एक साधना सी बसी हुई है और यही मैं चाहता हूँ. और आप सब लोग का सहयोग आशीर्वाद लेता रहेगा तो हम आगे बढ़ सकते. Thank you, sir. So we all know that you guys are very young and you've already started performing professionally. And you know, before we proceed with this question, why don't you introduce yourselves? Good afternoon. We are Mask. This is Manav Parahu. Thank you.
जब हरीश जी ने और राजेश जी ने मुझे कहा बताया कि ये काउंसिल का मुद्दा क्या है और इतना अच्छा मुद्दा है कि प्लेटफॉर्म देना बहुत बड़ी बात है, हर कोई ये नहीं दे सकता है और इसके लिए जुड़ना, तो आई थिंक इट इज़ माई प्रिविलेज एंड ऑनर एंड आई एम रियली प्राउड टू बी द जनरल सेक्रेटरी ऑफ IFSC. थैंक यू वेरी मच एंड ऑल माई गुड विशेज, शुभकामनाएं हमेशा आप लोगों के साथ है और मेरा योगदान भी रहेगा. So Sandeep, how does it feel being the chairperson of India Fine Arts Council? Good afternoon, everyone. Honestly, it feels being a little nervous actually, because great responsibility. I hope I'll be able to reach up to the expectations of everybody that is, you know, that expecting from me. But it just feels wonderful that it's a platform where we can give chances to new artists as well as renowned ones. And I hope we'll be able to do that, and I hope we'll be able to entertain all of you the way we plan to. Thank you. Thank you so much, sir. Could we please have a group picture? For the brand ambassador of India Fine Arts Council, the very beautiful Simran Ahuja. Simran, thank you so much for gracing us with your presence, looking absolutely beautiful. So, what are your thoughts of being the brand ambassador of India Fine Arts Council? Please do tell what's the plan and how did it come about? And first, I'm truly honored to be here. Thank you very much to both of you, and both of you are wearing matching clothes today. My daughter, and he's like my son. So they're wonderful kids. Thank you, Sandeep ji, for always keeping us in mind. I don't know how to be here. Thank you so much. Thank you very much for giving opportunity to Nalanda kids every time. Thank you so much. Thank you, Dr. Rene. From Bharucha School of Ballet, we have Vrushank Ragatake and Parinaz Gard. And if the
She's not here, but let's hear it for Miss Ava Barucha. From Myriad Arts doing the Indian folk dances, we have Shreyas Desai doing Bhangra and Pratima Tambat dancing to our very own Marathi folk dances. And of course, Ankita Dolawat and the maestro himself, Sandeep Supatel, dancing the Brazilian dance of celebration, Samba. Thank you all of you for this dhamakedar performance. I would request Haresh ji and Rajesh ji to please come up on stage and felicitate these wonderful dancers for an amazing act that they put together. Can I hear it again for these people? Come on. सर एक मिनट यहाँ पे आ गए सर एक मिनट भाई साहब शिकागो यूसेस है हम लोग भी थोड़ा थोड़ा ये काम करते हैं अभी हम लोग श्रीलंका में श्रीलंकन फिल्म फेस्टिवल अवार्ड ऑस्ट्रेलिया में कर रहे मेलबोर्न में और यही फिल्म मैगजीन का जो है फिल्म टुडे मैगजीन का लॉन्च आप लोगों में से कोई इंटरेस्टेड है तो यूएस में भी आए हम लोग शिकागो में हाँ ठीक है तो हम लोग जो है फिल्म टुडे मैगजीन लॉन्च कर रहे हैं 29 अगस्त और वो हम लोग जो शिकागो में कर रहे हैं और इसके साथ साथ हम लोग जैसे इससे 5 महीना पहले हम लोग नेपाली फिल्म फेस्टिवल अवार्ड किए शिकागो में
15-20 रोज पहले हम लोग फैशन शो किए, अब हम लोग मार्शल आर्ट भी करने जा रहे हैं, तो हम लोग जो है जहाँ जो मिल जाता है वो कर लेते हैं। और आप लोगों में जो आर्टिस्ट लोग हैं, बहुत जो नए आर्टिस्ट हैं जो फैन आर्ट से जुड़े हुए हैं, हम एक ब्लैक माउंटेन फिल्म भी बना रहे हैं और हमें नया आर्टिस्ट चाहिए क्योंकि हमारे पास पैसा थोड़ा ही तो आप लोगों में से कोई इंटरेस्टेड है? मीडिया हमारे भाई और मीडिया हमेशा सही राह में चलता है और इन्होंने वर्ल्ड में आज जो भी संसार में डेवलपमेंट हुआ है, जो भी संसार में नया रास्ता खुला है, वो मीडिया ही किया है। और मीडिया हमारे मुल्क में नहीं, वर्ल्ड का जो भी मीडिया वो रिस्पेक्टेड है। तो हम मीडिया वालों से भी क्या कहने के लिए चाह रहे हैं कि हम लोग जो नए आर्टिस्ट को प्रमोट कर रहे हैं, चाहे वो आर्टिस्ट लेडीज हो, चाहे वो आर्टिस्ट जेंट्स हो, चाहे वो आर्टिस्ट अपांग हो, हम लोग ब्लैक माउंटेन जो बना रहे हैं उसमें खास करके हम लोग अपांग लोग को ले ज़्यादा ले रहे हैं क्योंकि उसको कोई प्रमोट नहीं करता है। अंधा लोगों को हम लोग ले रहे हैं, उसको कोई प्रमोट नहीं करता है। वैसे लोग हम लोग ले रहे हैं जिसका हाइट अच्छा नहीं है, जिसका जो है शरीर का बनावट अच्छा नहीं है, अच्छे लोगों को सब चांस देता है, लेकिन हम लोग उन लोगों को प्रमोट करना चाहते हैं और खास और नेपाली लैंग्वेज, हम नेपाल से हैं पर आप लोगों से वीडियो देखे, फिल्म देखे हिंदी बोलना सीखिए। तो इसमें कोई हिंदी में कोई मिस्टेक हो तो उसको आपके काम वाले कहाँ हो भाई, कहाँ उनका फिल्म आप इतना कमाल किया कि हम हिंदी सीख गए भोजपुरी में, और जबकि कई कंट्री में हम जो है श्रीलंका में हिंदी में भाषण दिए थे। प्रेस मेरा कई जो है यहाँ पर जीटीवी हुआ, कई जो है मेरा इंटरव्यू सब है, हम हिंदी में किए हैं। क्या बात है, और हमारे विडम्बना देखिए, हम नेपाल के आदमी हिंदी बोलते हैं और यहाँ के लोग इंग्लिश बोलते हैं, तो हम लोग कितने पीछे हैं। हम लोग आपको अभी शिकागो में एक हिंदी क्लब है, उसके में एडवाइजर है, और जब हम लोग का एक फंक्शन हुआ था चेयरपर्सन ऑफ इंडिया फाइन आर्ट काउंसिल, थैंक्स टू माई वाइस प्रेसिडेंट एंड आर प्रेसिडेंट, वी वुड लाइक टू प्रमोट ऑल टाइप्स ऑफ आर्ट एंड ऑल टाइप्स ऑफ आर्टिस्ट, टेक देम ऑल ओवर द वर्ल्ड, अपार्ट फ्रॉम प्रमोटिंग देम इन द कंट्री ऑल्सो टेक देम ऑल ओवर द वर्ल्ड, सो दैट दे ऑल कैन शोकेस देयर टैलेंट टू एवरी पर्टिकुलर पर्सन हु इज एनीवेयर इन द वर्ल्ड। I think artist requires just a place and a platform to showcase the talent, and that's what we're going to provide. So before being part of the council, as such, you have been promoting arts and culture everywhere in, around the world. So what do you have to say? What are the challenges basically you face while you know promote Indian culture, Indian art and culture? I think it's very easy to promote Indian culture and Indian art because we Indians are filled with great talent, and I'm so glad that through this India Fine Art Council we can promote them. Furthermore, it's a body that will just help them reach up and reach out to many more people, and I think it's very easy to promote Indian artists because, like I said, we are filled with lots of talent. हरीश जी, आप बताइए आपकी क्या प्रेरणा थी ये काउंसिल को शुरू करने के लिए, अभी तक क्या चुनौतियां हुई और किस तरह से आगे विजन है आपके इस काउंसिल को? नहीं, विजन बहुत क्लियर है कि इंडिया फाइन आर्ट काउंसिल के माध्यम से नए आर्टिस्ट को प्लेटफॉर्म देना, सिर्फ नए आर्टिस्ट को ही नहीं लेकिन जो मंझे हुए कलाकार हैं उनको भी देश और विदेश में ले जाना, हमारा अंडर द बैनर ऑफ इंडियन फाइन आर्ट काउंसिल। दूसरा ये है कि बहुत सारा जैसे किसी को प्रोडक्ट लॉन्च करना है फाइन आर्ट्स के संदर्भ में, तो वो इंडिया फाइन आर्ट काउंसिल के बैनर तले कर सकते हैं, साथ में उनको कोई प्रोडक्ट भी लॉन्च करना है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेंगे, प्रेस मीट भी रखेंगे उनके लिए, और साथ में ये एक इंडिया एक जैसे संदीप सर ने बताया कि इंडियन कल्चर दुनिया में सबसे बेस्ट है और इसका लोहा सब मान चुके हैं, तो फाइन आर्ट इंडिया फाइन आर्ट काउंसिल के माध्यम से आर्ट के माध्यम से कल्चर को भी हम आगे लाने का हमारा काम है। तो ये जैसे कि मेरे साथ बहुत लोग जुड़े हैं, मैं तो किसी को अगर एडवाइस चाहिए, लीगल एडवाइस चाहिए, समझो कोई डिस्प्यूट हो गया तो उसको लीगल एडवाइस भी हम फ्री देंगे। तो और साथ में जैसे राजेश भाई का मैगजीन है, मैं इसके साथ भी जुड़ा हूँ फिल्म टुडे से, अगर किसी को किसी ने कुछ
कुछ बड़ी सिद्धि हासिल की है फाइन आर्टिस्ट ने, तो उसको हम लोग प्रमोट भी करेंगे फिल्म टुडे के अंदर। तो ये देखते हुए और मुझे जब मैं संदीप सर से मिला मैं और मैंने उनको इंडिया फाइन आर्ट काउंसिल के बारे में बताया, तो संदीप सर बहुत खुश हुए। और मेरा एक सेकेंड क्वेश्चन बहुत ही नेचुरल था, एक इंस्पायर्ड होकर मैंने संदीप सर को बोला कि सर आपसे बेस्ट कोई नहीं हो सकता चेयरमैन बनने के लिए, आप हमें परमिशन दीजिए और आप इसके चेयरमैन बनिए। तो आई एम वेरी काइंड टू संदीप सर, उन्होंने परमिशन दिया और आज ये बहुत खुशी होती है कि ये मेरे फेवरेट नहीं है, हमारे पूरी टीम की फेवरेट है, ही इज़ फेवरेट ऑफ आवर होल टीम। और राजेश भाई के साथ मैं बहुत सालों से जुड़ा हूँ और इनका भी मुझे सपोर्ट मिलते रहता है, कुछ एडवाइस होती है तो ये भी मुझे एडवाइस देते हैं। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू राजेश भाई एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू माई ओल्ड जितनी भी हमारी टीम है, उनको मैं बहुत ही पसंद करता हूँ। थैंक यू राजेश जी, बीइंग अ मीडिया पर्सन क्या कहना चाहेंगे, आपका किस तरह से सपोर्ट रहेगा वाइस प्रेसिडेंट की काउंसिल? सर लुक सेंटर था ना, लुक सेंटर विजन है इससे काउंसिल को लेकर। देखिए क्या है कि मैं आप सबकी भीड़ से भी निकला हूँ, मीडिया से हूँ, और बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे काम होते समाज के लिए। सबसे बड़ी बात है मैं पहले बताया कि हमारे हरीश भाई हमारे 20 साल पुराने मित्र हैं और मेरे प्यारे भाई हैं, और जब ये कंसेप्ट लेके इन्होंने मेरे से चर्चा की तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब ये कंसेप्ट ऐसा है कि आने वाले समय, मैंने बोला कि टैलेंट जो सड़क पर घूम रहा है वो आने वाले समय में इस माध्यम से ऊँचाई भी पहुँचेगा। बहुत से लोग हैं, खानदानी लोग हैं, पैसा है, वो लोग अपना प्रमोशन के लिए पैसा डाल देते हैं, देश विदेश में एग्जीबिशन कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, उनका पैसा है। लेकिन बहुत से लोग मैंने देखा है इनका पैसा नहीं है, बेचारे बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत सस्ते हस्तकला की चीज़ें बनाते हैं, बहुत अच्छा म्यूजिक बजाते हैं, लेकिन उनको प्रमोशन के लिए उनका कोई माध्यम नहीं है, कोई उनको पूछने वाला नहीं। तो इस माध्यम से हम आने वाले समय में लोगों के टैलेंट को पहचान कर उनको इस मंच से देश में विदेश में जहाँ भी हमारी क्षमता होगी उनको प्रमोशन करेंगे फ्री ऑफ चार्ज, उनसे हमारे को चार्ज नहीं होगा। हाँ पैसे लेंगे, जो पैसे वाले उसे बाकायदा पैसे लेंगे, हाँ वो अलग मैटर है, उनका एक फीस होगा भाई। अगर आप 10 लाख कमा रहे हो तो हमारे कॉन्सर्ट को आप उसमें शेयर कीजिए, हम आपको विदेश में भी, अभी 4 अगस्त को सिंगापुर में अवार्ड कर रहे हैं, उसमें भी मैं कई आर्टिस्ट को प्रमोट कर रहे हैं, उसमें कुछ जो हैं जो देने लायक होंगे उनसे फीस लेंगे और जो नहीं है देने लायक उनका फ्री ऑफ चार्ज यहाँ से लेके जाएंगे, उनका आना जाना रहना खाना सब हमारी तरफ फ्री होगा। मीडिया वालों के लिए हम लकी डारा रखेंगे, जो जीत जाए उसको लेके जाएंगे। Well, I think the support that we want is for them to come ahead and tell us that they're interested to do it. But I think most time people don't want to come ahead and speak up about their art and their talent, and that's what the only request I have from everybody, all artists, is come ahead, tell us what you have with you, and we are there to support you and promote you. Sir, chairman ke baad responsibility aur bhi zyada badhne wali hai, to kaise handle karne wale hai, kya ranneeti banayi hai uske liye? Well, I think I have always believed ki artist jo hota hai wo dil se sochta hai aur dil se kaam karta hai, and mere samne jo bhi aata hai, chahe wo artist kisi bhi kind type of artist ho, musicians ho, like a singer ho, painter ho, koi bhi ho, agar wo dil se nachta hai, dil se kaam karta hai, to automatically wo samne aata hai, and I think that's what I'm looking for. And I am not looking for any lobbying for anybody. Koi connections nahi chalenge, keval heart chalega aur dil ki baat chalegi. Okay, thank you. मैं बहुत खुश हूँ। पहली बात तो संदीप सनशाइन है इन द वर्ल्ड ऑफ आर्ट्स, और जब भी संदीप की बात होती है he's of international reputation across the world, extremely renowned. So मैं तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी to संदीप सोपारकर, because वो सबको platform देते हैं, दो अब ये chairman बने हैं, all thanks to Mr. Haresh Mehta. Sir, can we also have you here? Haresh Mehta ji और Rajesh Srivastav ji, जब इन्होंने ये concept के बारे में बात की, मैंने कहा this is what India is really looking for. और संदीप हमेशा ऐसे प्लेटफॉर्म ढूंढते हैं जहाँ पर ऐसे प्लेटफॉर्म हो जहाँ वो आर्टिस्ट को अपॉर्चुनिटी दे सके। सो आई थिंक देयर कुडंट हैव बीन एनीवन बेटर देन संदीप सोपारकर एज अ चेयरमैन ऑफ इंडिया फाइन आर्ट्स काउंसिल। आई एम ट्रूली ट्रूली डिलाइटेड टू बी हियर एट फर्स्ट, एंड द फैक्ट दैट यू ऑल हैव हैड मी एज अ ब्रांड एम्बेसडर इज अगेन अ ब्लेसिंग, क्योंकि मैं कल्चरल डांस में रही हूँ, मैंने 18 टाइटल जीते हैं 2000 से लेके 2017 तक नॉन स्टॉप इन राज गरबा,
और कल्चरल एम्बेसडर रही हूँ मैं पेरिस में और दुबई में, और यूएसए में मैं जजिंग करने जाती हूँ फोक डांस की. सो हमें ना बिल्कुल इनकरेजमेंट नहीं मिलता है. सो आई एम रियली थैंकफुल टू संदीप, बिकॉज लास्ट ईयर जब हमारा टॉक शो हुआ था, संदीप इतना इनकरेज करता है. वो कहता है चाहे वो कोई भी आर्ट फॉर्म हो, चाहे वो कोई विलेज से हो, एकदम ट्रेडिशनल फोक डांस हो, इट शुड स्टिल कम अप बिकॉज इसमें वो क्वालिटी होती है. मेरे साथ बैठे हैं लेजेंड, दो लेजेंड्स हैं, संदीप सोपारकर जो चेयरमैन हैं, और उमा रेले जी हु इज़ अगेन द लेजेंड इन आर्ट फॉर्म, एंड यू नो द एंटायर नालंदा डांस इंस्टीट्यूट बिलोंग्स टू हर. और जो शुभ मल्होत्रा है इज अ एक्सट्रीमिस्ट लवर ऑफ आर्ट्स और हमेशा इनक्रेज करती हैं all the different art form ko. So I think I'm truly delighted aise logon ke saath hona. Aur Rajesh ji jo films today ke hain, he's there to give us the exposure in the magazine all the time. So main tahe dil se Haresh Mehta ji ki bahut bahut shukrgazar hu sir that mujhe aisa platform mila, you know, to showcase my folk dance and take my skills forward internationally. Thank you. Thank you. हाँ, मैं बहुत कुछ सिमरन जी ने ऑलरेडी कह दिया है. सिमरन जी थैंक यू मुझे भी बहुत मतलब मेरे बारे में भी बोलने के लिए. फ्रैंकली स्पीकिंग इन्होंने ऑलरेडी कह दिया, संदीप जी तो हमारे लिए परिवार हैं. संदीप जी हैज़ ऑलवेज बीन अ फैमिली फॉर ऑल ऑफ अस. एंड एज शी सेड कि सभी को चांस देना. एक तो ये फील्ड वैसे इतना ओपन नहीं होता, कोई एक दूसरे को सपोर्ट ज़्यादा करता नहीं, एटलीस्ट ओपनली तो करता ही नहीं है. तो संदीप जी जैसे बहुत ही कम लोग हैं जो ऐसे ओपन माइंडेड मैग्नानिमस सुपरबली एनकरेजिंग ईच एंड एवरी वन. मैं क्लासिकल डांस के फील्ड से हूँ और नालंदा भी क्लासिकल डांस के लिए ही जाना जाता है. एक भी इवेंट ऐसा नहीं होता जहाँ संदीप जी ने नालंदा को या हमें चांस नहीं दिया हो, एंड दैट्स वेरी नाइस ऑफ हिम. तो उनके लिए आना मतलब बहुत बड़ा मौका है हमारे लिए भी. तो वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशन संदीप जी, एंड आई होप इट विल स्टिल ग्रो एंड यू विल गिव स्टिल मोर, यू विल डू अ वंडरफुल जॉब फॉर ऑल डांसर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर ऑल ऑफ अस. एंड शुभ जी वेरी नाइस टू बी देयर, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम सिटिंग विद ऑल ऑफ देम. थैंक यू. सबसे पहले तो आप सबका शुक्रगुजार हूँ मैं. मीडिया है तो हम हैं. और मैं क्या कहूँ, राजेश जी और हरीश जी जब इन्होंने भी मुझसे कहा कि ये मुद्दा ये प्लेटफॉर्म देने वाला है. आर्ट एक ऐसी लैंग्वेज है जो दुनिया समझती है. आप कोई और भाषा बोलो ना समझो, बट आर्ट और म्यूज़िक ऐसा फॉर्म है कि वर्ल्ड वाइड एवरीबडी अंडरस्टैंड, हर कोई समझता है. और ये और साथ में चेयरमैन और कौन है, इन्होंने इतना कुछ कहा. संदीप इज़ अ कंप्लीट आर्ट. मतलब आप अगर आर्ट सोचते हो तो ये शख्स, बिकॉज मैं इनके साथ, मैं अमेरिका में भी इनके साथ जुड़ी हुई थी, मैं गई इनका देखा है वहाँ पर भी सारा काम जो करते हैं, और सबको ले के चलना वो सबसे बड़ी. एंड ही इज़ वेरी हम्बल. सबसे बड़ी बात, इंसान चाहे इनकी हाइट है, सब कुछ है, ओहदा है, दौलत है, शोहरत है, लेकिन फिर भी वो ज़मीन से जुड़े हुए. और जो इनकी सोच है और जिस सोच के साथ ये हम हमारे साथ जुड़े हैं, आई एम वेरी प्राउड. थैंक यू वेरी मच कि मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ इस IFAC की. थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच. सिमरन एम्बेसडर है, मैम है हमारे साथ, और हमें ये दिस इज़ अ कंप्लीट IFAC हियर. एंड वंस अगेन आप सबसे मैं कहूँगी, जो भी आर्ट फॉर्म है, विच एवर यू आर, स्पेशल नीड्स, एनी वन, एवरी वन, हर किसी को एक इन्विटेशन है. आइए, आगे आइए, हम सब आपके साथ साथ हैं. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू फॉर यू नो वंडरफुल टीम. एंड आई एम श्योर, मुझे पूरा यकीन है कि ये हमने झंडा वर्ल्ड वाइड लेके जाना. क्या बात है. सर, यूजली जब मैं शोज करता हूँ तो उस बेसिस पे मुझे इवेंट्स पे आने का मौका मिलता है, और ऐसे स्पेशली एक इंडिया फाइन आर्ट्स काउंसिल जैसे इवेंट पे आने का मौका मिला. द होल कॉज ऑफ दिस इनिशिएटिव इज़ रियली नाइस. आई रियली अप्रिशिएटेड. जस्ट टुडे देयर वर सो मेनी 13-year-old यंग किड्स परफॉर्मिंग, एंड द होल पर्पज इज़ टू प्रमोट आर्ट, एंड आई एम ऑलवेज बिहाइंड सच इनिशिएटिव्स, एंड आई एम सो हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ इट. थैंक यू टू राजेश जी एंड हरीश जी कि उन्होंने मुझे मैं तो कहूँगा उन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ आने का. मेरा क्या ज़्यादा योगदान है, बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ वेरी गुड एसोसिएशन विद इंडिया फाइन आर्ट्स काउंसिल. थैंक यू.
एनसीपीए में आपने परफॉर्म भी किया था, क्या कहना चाहेंगे, कैसा एक्सपीरियंस रहा वहाँ का, और वो पिक्चर्स काफ़ी वायरल भी हुए सबके बीच में, थोड़ा सा बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा। एनसीपीए का परफॉर्मेंस अलग है एक्चुअली। लोग यूजुअली मुझे डांसिंग के लिए नहीं फ़ोन करते, तो जब मुझे एनसीपीए से कॉल आया कि उनका फेस्टिवल है एंड दे वांटेड मी टू डांस, आई वाज अ लिटिल सरप्राइज कि क्या मैं होस्टिंग अच्छी नहीं कर रहा हूँ कि मुझे बुला रहे, बट आई हैव ऑलवेज लव्ड डांसिंग। और जब मुझे फ़ोन आया तो आई इमीडिएटली सेड यस, आई डिडंट इवन आस्क देम कि हाउ मच मनी विल दे पे मी, आई सेड यस आई एम डूइंग इट, एंड इट वाज सच अ वंडरफुल यू नो अपॉर्चुनिटी। और वहाँ जाके ऐसे दिग्गज आर्टिस्ट के साथ आई शेयर द स्टेज विद सच वंडरफुल आर्टिस्ट, पीपल हु आर रिकॉग्नाइज्ड एंड रिस्पेक्टेड, एंड द स्टेज इटसेल्फ एनसीपीए इज सच अ बिग स्टेज, such a prestigious platform, so I'm just lucky to be able to get all these opportunities that I'm getting. Sir, what do you want to say about this event and Sandeep Chopankar ji ko jo hai chairman banaye hain, painting banayi hai. सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इंडिया फाइन आर्ट्स काउंसिल का कि उनने ऐसा कुछ इनिशिएट किया है कि आर्टिस्ट को प्रमोट करें, आर्ट को प्रमोट करें, नॉट आर्टिस्ट द आर्ट ऑफ द आर्टिस्ट। Artists should be busy creating art and there should be someone to take it ahead, to show it to the world. So they are doing great job and thank you India Fine Arts Council for giving me opportunity and contributing the art with you guys. Sir, aapka kehna chahenge is huge and grand event ke baad. So my name is Sri Hari Charan and I have a brand called My Cute Nanny. So my brand is based out of Chennai and 2 months back Mr. Sandeep had asked to make a miniature of himself and yeah, so it's a big project that we have taken and we have done each and every detail of his face and all his dress details as much as details as we could give. So yeah, the experience was great and yeah, we are very much happy to be a part of IFAC and we are looking forward for a long-term relationship with Mr. Sandeep and Indian Fine Arts Council. And I thank Mr. Sandeep for giving this opportunity and and Mr. Harish and Mr. Rajesh for giving this. Thank you. I would like to start with thanking Sandeep sir to give us the opportunity to come on this stage and show people what we do, what art we do, how it comes out, and how we can create memories in 3D forever, which will last forever, especially for kids, for couples. And this is a very beautiful platform because IFAC being associated with art, this is a new art form, so I would request IFAC to promote this art form as well. Thank you so much.